असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा का दो दिवसीय झारखंड दौरा और उत्पात सिपाही दौड़ में मृत अभ्यर्थियों के परिजनों से भी वो मुलाकात करेंगे। बीजेपी के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी है हेमंत बिस्वा सरमा और मांझी में अजय मुंडा के परिजनों और नामकुम में मृतक अभ्यर्थी विकास लिंडा के परिजनों से मुलाकात करेंगे। और आपको बता दें कि चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा सरमा रांची पहुंच चुके हैं और दो दिवसीय दौरे पर वो आए हुए हैं झारखंड। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा का दो दिवसीय झारखंड दौरा और अभी वो रांची पहुंच चुके हैं। उत्पात सिपाही दौड़ में मृत अभ्यर्थियों के परिजनों से वो मुलाकात करेंगे। हेमंत बिस्वा सरमा का दो दिवसीय झारखंड दौरा, असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा सरमा। आपको बता दें कि वो रांची पहुंच चुके हैं और ये एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब हेमंत बिस्वा सरमा रांची पहुंचे एयरपोर्ट पर, जब वो पहुंचे हैं ये तब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस पर अधिक बातचीत और जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ा है, सीधा उनका रुख करेंगे। राजेश, देखिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा का दो दिवसीय दौरा, वो फिर से जो है रांची पहुंच चुके हैं और ये भी जो बात आ रही है कि उत्पात सिपाही दौड़ में मृत अभ्यर्थियों के परिजनों से वो मुलाकात करेंगे। फिलहाल बीजेपी कार्यालय भी जाने की बात है, कब तक वहां पहुंच रहे हैं, कितनी देर में वो पहुंच जाएंगे? बस पहुंचने ही वाले हैं और उनका काफिला देखिए अब यहाँ पर पहुँचने वाला है। देखिए पुलिस, असम पुलिस के लोग यहाँ पर पहले से पहुँच कर तैयार हैं, एयरपोर्ट से चल चुके हैं, इसलिए सारी व्यवस्था देखिए हम अपने कैमरामैन के माध्यम से दिखा रहे हैं। और यहाँ पर लोग बीजेपी के लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं बाहर में, पार्टी के लोग भी हैं कुछ लोग। देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये काफिला पहुँच रहा है, कारकेड जो है हेमंत बिस्वा सरमा का वो यहाँ पहुँच रहा है। ये हेमंत बिस्वा सरमा पहुंचे बीजेपी कार्यालय पहुंचे। माइक ऑन करिएगा, मिल रहे राजेश, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बीजेपी कार्यालय से ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे जहां हेमंत बिस्वा सरमा पहुंच चुके हैं। आपको बता दें थोड़ी देर पहले वो रांची एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से अभी सीधा बीजेपी कार्यालय वो पहुंचे हैं और ये सीधी बीजेपी कार्यालय से हम दिखा रहे हैं जहां असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा पहुंच चुके हैं और उसके बाद आपको बता दें कि उत्पात सिपाही दौड़ में मृत अभ्यर्थियों के परिजनों से भी मुलाकात करने जाएंगे हेमंत बिस्वा सरमा। तो बीजेपी के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी है हेमंत बिस्वा सरमा और दो दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे हैं। उरमांझी में अजय मुंडा के परिजनों और नामकुम में मृतक अभ्यर्थी विकास लिंडा के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। सकते हो आपका वो बेटा और बेटी है, आप तो हमेशा बोल रहे कोई व्यक्ति जेल गया आप रोते हैं,
जेल जाने में आप रोते हैं, लेकिन जिसका गुजर गया बेटा उनका पिता माता कितना रो रहा है, उनका उनका पिता माता क्या झारखंड में रोने का भी दो स्टैंडर्ड है क्या? जिसका बेटा गुजर गया उनका पिता माता का रोने का कोई दाम नहीं है। एक एक लाख रुपया से क्या काम होगा? हम तो झारखंड में विरोध में है, हम कुछ देने का कोशिश कर रहा हूँ। आपका पास अधिकार है, एक नौकरी दे दीजिए घर में, बस आपका जय जयकार होगा। देखिए दौड़ना दौड़ना है ठीक है, लेकिन मेरा निवेदन है मेडिकल चेक कीजिए, लड़का लड़की जो भी दौड़ने आएगा एक गिलास दूध पिलाइए, एक फ्रूट पिलाइए, और तुरंत अगर किसी का ऐसा घटना होते हैं तुरंत उनको डॉक्टर का इलाज मिलना चाहिए। बाकी तो दौड़ में तो हमारा कोई आपत्ति नहीं है, हम भी बोल रहे हैं भाई रिक्रूटमेंट होना चाहिए, लेकिन झारखंड सरकार जब इतना बड़ा बड़ा मीटिंग कर रहा है, जर्मन हैंगर में आप रुपया खर्चा कर ही रहा है, तो एक गिलास दूध का आप दूध नहीं दे सकता है? एक गिलास दूध पिलाइए, एक फ्रूट दीजिए, डॉक्टर का टीम मौजूद रखिए वहाँ पे, किसी का अगर समस्या है तो ट्रीटमेंट करवाइए। हम क्या गलत बोल रहा हूँ आप बताइए? देखिए मैं तो यही बताया था कि भाई 10-15 सितंबर का बात कीजिए, लगभग आते आते 11 हो जाएगा, लोगों को लोगों को नौकरी भी चाहिए। हम लोग ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग इंटरव्यू मत कीजिए, जरूर करना चाहिए, लेकिन ये जो हमारा डिमांड है मेडिकल जांच कीजिए, अगर कोई जो भी है किसी का बीपी कम है तो आज रुका दीजिए, परसों दौड़ने दीजिए, आप बीपी चेक कीजिए, पल्स चेक कीजिए, फिर आप दौड़िए ना। तो हमने तो एकदम लॉजिकल बात बोल रहा हूँ, उसमें राजनीति कहाँ है? देखिए हिमंता बिस्वा सरमा चुनाव सह प्रभारी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और अभी देखिए देखिए आप बड़ा व्यक्ति है इसीलिए आपका पीछे बड़ा छोटे छोटे सीएम लगा हुआ है, उसके तो उससे तो आपका गरिमा बढ़ा है, आपका आपत्ति क्या है? हमारा हमारा जैसा कार्यकर्ता आपको हटाने के लिए लगा है, इससे तो आपका गरिमा बढ़ा है। किसका जान पे कट रहा? बाप रे, पूरा झारखंड सरकार का इतना उन्होंने इतना सिस्टम खत्म कर दिया कि एक सीएम का भी जान का हिफाजत नहीं हो सकता है। अगर उनका जान का हिफाजत झारखंड पुलिस नहीं कर सकता है, आपका जान का हिफाजत कैसे करेगा? इसीलिए मैं बोलता हूँ डीजीपी को हटाओ। अभी तो झारखंड का सीएम ही खुद बोल रहा है कि डीजीपी मेरा हिफाजत नहीं कर सकते है। अरे भाई हमें गिरफ्तार कर लो, आपका जान का कोई जान का खतरा है? डीजीपी साहब को बोलिए ना हमें अरेस्ट कर ले, ये क्या बात बोल रहे हैं? हमारे पूरे परिवार को जान बचने की साजिश रची जा रही है। हाँ हाँ, 17 बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर। देखिए जो इस सब में मैं कमेंट नहीं दूंगा, बिकॉज मैं एक अलग प्रदेश का व्यक्ति हूँ, तो मैं झारखंड का कैसे चलता है, कितना कैसे सुरक्षा दिया जाता है, उसमें मुझको कमेंट देना ठीक नहीं है। मेरा खाली एक ही निवेदन है, जो भी सिपाही होने का कारण आया, मर्द हुआ, उनका फैमिली में एक नौकरी दीजिए। वो तो जरूर आ रहे, हम कहाँ ना बोल रहा हूँ, हम तो यही बोल रहा हूँ कि बंगाल असम त्रिपुरा यही से घुसपैठी आ रहा है। कांग्रेस ने द्वार खोल दिया था, अभी तो आप मेरा ट्वीट देखिए, हम हमेशा पकड़ रहा हूँ, हर दिन 5-10 पकड़ रहा हूँ। जब से बीजेपी आया हमने रुकवाने का कोशिश किया, कांग्रेस ने खोल दिया दरवाजा। इसीलिए ये तो बात सत्य है कि झारखंड में डायरेक्ट तो कहीं से नहीं आया, या तो मुर्शिदाबाद से आए है, या तो असम से आए है, या तो त्रिपुरा से आए है। कम से कम हेमंत सोरेन जी ने अगर मान लिया है कि झारखंड में घुसपैठी आए है, ये बहुत बड़ा बात है अगर उन्होंने मान लिया है। पूरे परिवार को जेल भेजने की साजिश। अरे भाई जेल तो आपका ही है, आप ही हो मालिक, आपको कौन जेल भेजेगा?
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।